नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। डायरेक्टर राजकुमार संतोषी की फिल्म सारागढ़ी में रणदीप हुड्डा कास्ट किए गए थे। ये फिल्म बैटल ऑफ सारागढ़ी पर बेस्ड थी। फिल्म में रणदीप को हवलदार ईश्वर सिंह का रोल ऑफर किया गया था। हाल ही में रणदीप हुड्डा ने इस प्रोजेक्ट को लेकर कुछ खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा कि फिल्म नहीं बनने की खबर से वो पूरी तरह टूट गए थे। लग रहा था कि उनके साथ धोखा हुआ। फिल्म से उन्हें बहुत उम्मीदें थी, इसी कारण वो डिप्रेशन में भी चले गए। हालात इतने ख़राब हो गए थे कि पेरेंट्स उन्हें अकेला नहीं छोड़ते थे। बाल काटने के डर से वो खुद को कमरे में बंद कर लेते थे। दरअसल जब मेकर्स इस फिल्म की तैयारी कर रहे थे, तभी अक्षय कुमार की फिल्म केसरी रिलीज हो गई, जो इसी सब्जेक्ट पर बेस्ड थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट भी रही, जिसके चलते डायरेक्टर संतोषी की यह फिल्म बनने से पहले ही ठंडे बस्ते में जा गिरी और कभी रिलीज नहीं हो पाई। एक इंटरव्यू में रणदीप ने बताया कि इस प्रोजेक्ट को उन्होंने 3 साल दिए थे। इस दौरान उन्होंने सिर्फ ईशा सिंह के कैरेक्टर को जिया था। यहाँ तक कि जो भी फिल्म इस टाइम पीरियड में उन्हें ऑफर की गई थी, उन्होंने सभी को रिजेक्ट कर दिया। ईशा सिंह के कैरेक्टर के लिए उन्होंने अपने बाल लंबे कर लिए थे और दाढ़ी भी बढ़ा ली थी। नतीजन किसी दूसरी फिल्म को साइन करना उनके लिए आसान नहीं था। जब रणदीप को पता चला कि कैसी की वजह से अब ये फिल्म नहीं बनेगी, तो पूरी तरह से टूट गए। इस खबर ने उन्हें इतना अंदर तक झकोर दिया था कि वो डिप्रेशन में चले गए। उन्होंने कहा, उस वक्त मैं सिर्फ निराश और निराश ही था, ये किसी धोखे से कम नहीं था। इसी के साथ बने राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।